Hi, good evening everyone. Once again, we are in your same class, that is the Physics Concept class, and welcome back. Today we are going to discuss the same topic, which is continuing from the last class, that is the Gauss theorem. In our last class, we have discussed about the statement of Gauss theorem, and how we prove the Gauss theorem. And we already know that the Gauss theorem is related to the electrostatic flux through a closed surface. So for a closed surface, the charge must be enclosed in that surface. तो आज हम उसी को continue करेंगे. तो हमने ये ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट रीड कर लिया है. गॉस थ्योरम के बारे में हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है किसी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड, 1/εo टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस. तो इट शुड बी नोटेड दैट इन द कंडीशन ऑफ गॉस थ्योरम द चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड. और जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो रिलेटेड है एरिया से और इलेक्ट्रिक फील्ड से. द फॉर्मूला इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सरफेस इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस. बट आई टोल्ड यू दैट द थिंग मस्ट बी रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ दैट सरफेस, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. तो हम इसकी भी बात करेंगे. और ऑल द सरफेसेस विच इनक्लोज द चार्ज आर हाइपोथेटिकल एंड नेम्ड एज द गाउसियन सरफेसेस. किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम जो सरफेस यूटिलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो इमेजनरी होता है और गाउसियन बोलते हैं. तो आज थ्योरम तो हम वेरीफाई कर चुके हैं, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इन बोथ टाइप ऑफ सरफेसेस, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल. बट आज हम वेरीफाई भी करेंगे क्या ये थ्योरम सही है कि चार्ज जब इनक्लोज होता है तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और जब इनक्लोज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है या नहीं होता है, ये भी हम वेरीफाई करेंगे. तो हैव अ लुक ऑन अ बोर्ड. तो हम ये वेरीफाई करने जा रहे हैं कि गॉस थ्योरम क्लोज सर्फेसिस के लिए वैलिड है और चार्ज उन क्लोज सर्फेस के अंदर ही होना चाहिए. तो फर्स्ट दिस इज एन इमेजनरी सिलेंडर. हमने हाइपोथेटिकल एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम किया है, इसी को हम गॉसियन सरफेस यहां पे अज्यूम करेंगे. और वी ऑलरेडी नो दैट द सिलेंडर हैज थ्री टाइप ऑफ एरिया. कौन कौन से थ्री एरिया होते हैं सिलेंडर में? टू वेव एरिया एंड थर्ड कर्व सरफेस एरिया. तो हम इसको थ्री रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज दिस इज द रीजन फर्स्ट, दिस इज द रीजन सेकेंड, एंड द कर्व सरफेस दिस इज द रीजन थर्ड. थ्री एरिया में डिवाइड कर लिया. अब हमें पता है इफ वी टेकन अ पॉइंट हेयर एंड दिस दैट एलिमेंट, देन द एरिया वेक्टर ऑफ दिस बेस इज नॉर्मली आउटवर्ड. पता है ना आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं. ये फर्स्ट रीजन का है, तो इसको क्या सपोज कर लेते हैं डी एफ वन. फॉर द सेकेंड बेस एरिया ए स्मॉल एलिमेंट एंड इट्स एरिया वेक्टर इज डी एस टू. दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज एरिया वेक्टर. एंड फॉर इफ यू टेकन अ पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस एंड ए स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड दिस पॉइंट, दैट इट्स एरिया वेक्टर इज डी एफ थ्री. तो तीनों सरफेसेस पे हमने नॉर्मल अज्यूम कर लिया, इस बेस एरिया पे इधर, इस बेस एरिया पे आउटवर्ड इधर, और इस कर्व सरफेस एरिया पे आउटवर्ड इधर. ऑल्दो ये जो एरिया वेक्टर है एलिमेंट्स के हैं, और इस सरफेस को हम एस वन अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम एस टू अज्यूम कर लेते हैं, और इसको हम कर्व सरफेस को एस थ्री अज्यूम कर लेते हैं. तो यहां पे हम अगर लिखे एस वन एंड एस टू आर बेस एरिया एंड एस थ्री कर्व सरफेस एंड
टी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का एक बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो डी एफ वन, इसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेस एरिया एफ वन जो आएगा वो उतना ही होगा जितना ये एस टू आएगा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, कर्व सरफेस अलग होगा। अगर हम डी एस थ्री की बात करें तो ये होगा 2 पाई आर एल, अगर ये सिलेंडर की रेडियस आर है और लेंथ एल है तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको वेरीफाई करते हैं, तो लेट मी अस्यूम अ चार्ज आउटसाइड द सरफेस टू। हमने सपोज कर लिया है कि चार्ज यहां है, ठीक है, और इस सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन, गॉसियन सरफेस और सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस है। चार्ज कहाँ है? बाहर है सिलेंडर। हमें पता है चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होती है, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, मतलब चार्ज पे बाहर की तरफ। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अज्यूम करें इस पे किसी भी पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड ई। इस पॉइंट पे किधर होगा? ई इधर, और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा ई। तो द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे लेंगे तो इधर की तरफ, इस पॉइंट पे लेंगे तो इधर की तरफ, और इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रेडियली आउटवर्ड। तो यही हमें अज्यूम करना है। तो कंडीशन हम यूटिलाइज करते हैं, टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। Let a charge Q is placed outside the Gaussian cylinder as shown. नोट्स आप खुद भी फॉर्म कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मैं जितना नेसेसरी है उतना आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं ओनली आपको इंडिकेट कर ही रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया है बट इसकी अब नीड नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए नोट डाउन किया है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो द्वारा प्ले करके देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। नाउ लेट अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द गॉसियन सिलेंडर एज शोन। अब हमें क्या करना है? फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो the electric flux linked with इस गॉसियन सिलेंडर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? इज phi e equals to f1 E dot df for the first region, E dot df for s2 second region, sorry df, sorry this is df1 and this is df2, and s3 E dot df3, E dot df3. So three areas हैं, तो three से related हमने flux count करना है total के लिए। तो देखते हैं पहले सरफेस, दिस सरफेस के लिए E dot df1 इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, E dot df2 फॉर द सेकंड सरफेस एंड E dot df3 फॉर द थर्ड सरफेस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। तो इनको हम ओपन करेंगे तो दिस इज f1 E df cos। अब फर्स्ट सरफेस पे देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है। एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एफ वन, डी एफ वन इज इन दिस डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड नॉर्मली, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड। सो द एंगल बिटवीन ई एंड डी एफ वन इज 180 डिग्री, यही है ना। नाउ कॉस 180 डिग्री प्लस फॉर द सेकेंड सरफेस एस टू ई डी एफ टू, दिस इज डी एफ वन
and this is ds2. The angle between E and ds2, the direction of electric field is this, and the direction of ds2 is also the same. So meet this angle, here the angle is 0 degree. So here cos 0 degree, and for the curved surface, this, the electric field is in this direction and the area vector is in this direction. So angle is 90 degree here. So now for the third surface, S3, E ds3 cos 90 degree. देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है. यह देखिए E ds1 cos 80, S1 E ds1 negative, cos 180 means minus 1, plus S2 E ds2 positive. Angle 0 है तो cos 0 is 1. और for the third surface, this is the cos 90 is 0, so this is 0. E ds3 means the flux associated with the curved surface is 0 because of the angle is 90 degrees. So ये दो value हैं, एक positive एक negative, because integration of ds1 is equals to integration of s2 ds2. ये दोनों इक्वल होंगे. पहले ही मैंने बताया आपको दोनों बेस एरिया का इंटीग्रेशन है, ये दोनों इक्वल होंगे. और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, सब मूव करते हैं, ए सब मूव कर लेते हैं, ए और पाई आर स्क्वायर जो भी आपको चाहिए. सो इसको सपोज किया है हमने तो लिख देते हैं सेम. तो ये क्या होगा, माइनस ई ए, ये तो सेम है, डी एफ वन का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे ए है और डी एस टू का भी इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे है बिकॉज बोथ ऑफ द बेस एरिया. तो यहां हम नोट डाउन करेंगे, देयरफॉर फाइ ई इक्वल्स टू माइनस ई ए प्लस ई ए, एंड थर्ड वन इज जीरो. नाउ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, फाइ ई इज जीरो, मींस नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर बिकॉज द चार्ज इज टेकन आउटसाइड. क्योंकि हमने चार्ज को इस हाइपोथेटिकल गाउसियन सिलेंडर से बाहर अज्यूम किया है, चार्ज इसके अंदर नहीं है, इनक्लोज नहीं है. तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फाइ ई इक्वल्स टू क्या जीरो आ रहा है, और थ्योरम से रिजल्ट भी आ रहा है. वेरिफिकेशन कैसे हो रही है, बिकॉज फाइ ई इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू नेट इक्वल्स टू फाइ ई इज जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट इज जीरो. तो नो चार्ज इंक्लोज बाई दैट सर्फेस, क्योंकि चार्ज तो बाहर रखा है, मैं दिख भी रहा है, और हम यहाँ वेरीफाई भी करवा रहे हैं कि चार्ज नहीं है. और इस डेरिवेशन से हमें एक दूसरा कंक्लूजन भी मिल गया है. वो क्या मिल गया है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इस सिलेंडर में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट हो रही है वो इस सर्फेस से एंटर करेंगी, जब एरिया वेक्टर बताया था मैंने आपको बताया था, और यहाँ से लीव आउट होंगी. तो इसका मतलब फ्लक्स तो एसोसिएट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू आ रही है ए टू ए, कोई तो वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ना तो ये एरिया जीरो है और ना चार्ज रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से जीरो हो रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो कौन सा था, वो निगेटिव फ्लक्स था, और यहाँ वाला कितना था, वो पॉजिटिव था. तो ये निगेटिव जो है वो कौन था, जब एंटर हो रहा था, तो द एंटरिंग फ्लक्स is taken negative and the leaving out flux is taken positive. This is also one conclusion of this verification. एक conclusion हम ये भी ले सकते हैं कि जो यहाँ से flux enter करेगा वो flux negative होगा और leave out करने वाला flux positive होगा. So this verify the Gauss theorem and also the statement are related with it. So इस verification को आप screen pause करके note down कर सकते हैं.
तो यहां से इसके जो दो कंक्लूजन है वो नोटिस में मैं लिख देता हूं, इसके बाद इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एंटरिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड द लीविंग आउट फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव किसी भी शेप के लिए। जैसे कि ये है, अगर कोई क्यू भी एज्यूम कर लेते हैं यहां से और चार्ज को यहां बाहर रख दिया होता है, तो यहां से चलने वाली जो लाइंस है वो यहां से एंटर करती और यहां से लीव आउट हो जाती। तो ये वाला फ्लक्स इसका एरिया वेक्टर इधर होता और इसका इधर होता, तो लीविंग आउट को पॉजिटिव और नेगेटिव। और सेकेंड पॉइंट, the electric flux linked with a closed surface is zero if no charge enclosed by the surface. अगर चार्ज में किसी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो उससे एसोसिएटेड या लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दिस। तो थ्री पॉइंट ही आपको नोटिस करने हैं जो आपको क्वेश्चन में बहुत यूजफुल रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। फर्स्ट, द एंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल द लीविंग आउट फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उससे एसोसिएट नहीं होगा। थर्ड वन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज दैट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस के एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये थ्री पॉइंट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे आगे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। और अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आगे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। सो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्या एप्लीकेशंस है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में, जो शायद आप लोग भूल चुके होंगे, मैंने स्टार्ट क्लासेस में आपको बताया था, द चार्ज कैन डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द एरियल और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनके एप्लीकेशंस में हम उनको भी यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। वो कैसे करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, कूलम्स लॉ बाय
कॉफ थ्योरम। कॉफ थ्योरम की हेल्प से हम कूलम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ज को सपोज कर लेते हैं। चार्ज सपोज कर लिया हमने, लेकिन गॉस थ्योरम यूटिलाइज करनी है तो एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस भी होना चाहिए, तो कोई ना कोई सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक सरफेस भी इसके अराउंड ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर अराउंड द चार्ज और द चार्ज टेकन एट द सेंटर ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर। और अगेन we taken a point P on the surface and a small area around the point P and this is area vector is ds। तो हमने क्या किया, एक चार्ज को सपोज किया और इसको ये जो है गॉसियन स्फीयर में इंडिकेट कर देता हूं। इट इज नॉट अ रियल स्फीयर, इट इज अ हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसको हमने चार्ज को इनक्लोज करने के लिए अज्यूम किया है। तो हम ये देख सकते हैं कि आर रेडियस का स्फीयर में ड्रॉ किया है और चार्ज क्यू को सेंटर पे अज्यूम किया है। तो इस सरफेस के ऊपर हम कहीं भी कोई पॉइंट ले, कहीं पे भी ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4πε0Q/r2। तो हर पॉइंट के लिए चार्ज तो ऑलरेडी सेम है, और क्योंकि ये स्फीयर है तो रेडियस सेम है, तो इसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। और ये जो हाफ शेडेड एरिया आप देख रहे हैं डीएस एलिमेंट का, ये हाफ दिखाने का रीजन ये कि स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर और हम स्फीयर बना किस पे रहे हैं, बोर्ड पे टू डायमेंशन पे, तो पूरा स्फीयर तो इस पे कभी बनेगा नहीं, ये लाइट का सर्कल ही लग रहा है। तो इसका हाफ एरिया जो शो हो सकता है वो शो किया गया, हाफ एरिया बैक साइड में होगा लाइट स्फीयर, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। फिगर भी लॉजिकल होती है, ये बात भी आपको समझते चल रहा है। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हेल्प से कूलम्स लॉ स्टेबल करेंगे। तो लेट मी कंसीडर अ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया डीएस अराउंड द पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एज शोन इन फिगर। तो क्या सपोज किया हमने, लेट बी कंसीडर अ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड द एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया डीएस अराउंड द पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ए। जो दिख रहा है वही लिखा है, ऐसे थ्योरी आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्यू चार्ज को हमने स्फीयर के सेंटर पे ज़ूम किया है, पी पॉइंट एक यहाँ पे लिया है सरफेस पे, उसके अराउंड एक एरिया कंसीडर कर लिया है डीएस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है चार्ज की वजह से, रेडियली आउटवर्ड। तो ये इसकी रेडियस है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होता ही है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर नॉर्मल ही होगा। तो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज जीरो दिख रहा है डायग्राम में। तो हमें क्या करना है, कूलम्स लॉ वेरीफाई करना। तो कूलम्स लॉ के हमें क्या करना है, बाय द कॉफ थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस और स्फीयर, गॉसियन स्फीयर एक्चुअली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, और किसके इक्वल होगा, नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, ई डॉट डी एस
बिकॉज थीटा इज जीरो देन इट इज ईडीएस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इज यूनिफॉर्म टेकन आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसको जो हम सॉल्व करेंगे ई आउटसाइड ले लिया है इंटीग्रेशन ऑफ डीएस ओवर द होल स्पेयर पूरे स्पेयर का एरिया कितना होता है सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू और शायद यही ई का फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये तो आया ई अब हमें क्या करना है हमें वेरीफाई तो ये करना ही नहीं है हमें तो कूलम्स लॉ स्टेबल करना है तो अभी तक तो हमने सिंगल चार्ज ही सपोज कर रखा है हमें पता है कूलम्स लॉ के लिए हमें क्या चाहिए टू चार्जेस देयर शुड बी टू चार्जेस दो चार्ज होंगे तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे बट यहां तो एक ही तो इसका मतलब दूसरा चार्ज में प्लांट करना पड़ेगा और जो चार्ज हम किसी चीज को टेस्ट करने के लिए वेरीफाई करने के लिए यूटिलाइज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज और वो ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और उसको हम किस पे डिनोट करते हैं क्यू नॉट तो इफ वी पुट अ चार्ज क्यू नॉट हियर एट अ पॉइंट पी यहां पे हमने क्यू नॉट चार्ज रख दिया अब दो हो गए तो इसका मतलब क्यू और क्यू नॉट दो चार्जेब हो गए उनके बीच की डिस्टेंस भी यार हो गई और हमें पता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज पे रखने पर उस पर फोर्स जो अप्लाई होता है वो क्या होता है F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई होगा ना ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट और अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करें तो क्यू नॉट ई होगा तो हम क्या करते हैं द फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट placed at the point P S F equals to Q not E ये इसका फोर्स होगा इसको गलत कर रहा हूँ गॉसियन सरफेस को Q not E होगा ना तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे इसको अगर हम फर्स्ट अज्यूम कर लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट फर्स्ट का यूज करके E की वैल्यू क्लोज कर दीजिए क्या मिलेगा हमें F equals to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ठीक है एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई ई की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन पे जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड क्यू नॉट इसमें मल्टीप्लाई होगा एफ इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यही तो करते हैं हम कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their amounts and inversely proportional to the square of distance between them. This is the Coulomb's law. और यहाँ यही show हो रहा है, the electrostatic force between two charges, that is, charge Q and charge Q naught, is directly proportional to the product of charges Q and Q naught and inversely proportional to the square of distance between them, that is the radius of this Gaussian sphere. तो अगर हम और clear करके लिखना चाहें इसको, तो यहाँ पे suppose Q equals to Q1 and Q not equals to Q2 suppose कर ले तो वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखते हैं वो आ जाएगी फाइनली और वो फाइनली क्या होगी इनको रिप्लेस करते हैं F equals to 1 upon 4 pi epsilon not Q1 as Q and Q not as Q2 upon R square पर ये कौन सा लॉ है This is Coulomb's law यही तो स्टेबल करने वाले थे तो नाउ हमने क्या किया है ठीक है हमने क्या किया गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ को ड्राइव कर लिया है तो दिस इज अ वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम ऑल्दो द कूलम्स लॉ डिस्कवर्ड बिफोर द गॉस थ्योरम गॉस लॉ से पहले कूलम्स लॉ डिस्कवर हो चुका था बट हमने गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्स लॉ को भी ड्राइव कर लिया तो गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन ये हो गया नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे
और इट इज सफिशियंट फॉर टुडे. सो बी विद मी इन द जर्नी ऑफ फिजिक्स एंड एंजॉय.